और एक बार कहने सुभान अल्लाह। हाजिर करता हूँ समाज तेरे मोहब्बत के साथ। मेरे आला हजरत कहते हैं कि वाह क्या जो दो करम है शहबत तेरा। सुने मोहब्बत के साथ और आप भी पढ़ें इंशाल्लाह। आप पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा और क्यों ना अच्छा लगे। आप हुजूर की नात पढ़ने वालों में से हैं बड़े मोहब्बत के साथ। वाह क्या जो दो करम है शहबत तेरा। वाह क्या जो दो करम है शहबत ऐसे तो हर कोई बोल सकता है लेकिन पढ़ना सबके बस की बात नहीं है। जरा मैं चेक करूं आप सिर्फ नाद सुनते हैं या पढ़ना भी जानते हैं मोहब्बत के साथ। नहीं सुनता नहीं मांगे। क्या आपकी प्यारी आवाज आ रही है। अल्लाह सलामत रखे। अच्छे लोगों की पहचान होती है कि मुस्कुराते रहते हैं। जरा मुस्कुरा के पढ़ने। नहीं सुनता नहीं मांगने तेरा। शेर सुनिए मेरे आला हजरत ने कई सालों साल पहले लिखा है लेकिन आज भी पढ़ा जा रहा है कयामत तक पढ़ा जाएगा। शेर सुनिए मेरे आला हजरत कहते हैं क्योंकि फर्श वाले तेरी शौकत का बोलो क्या जाने। सुने ऐ मेरे आका फर्श वाले शौका क्या जाने। फर्श वाले फर्श तो पढ़ रहे थे आप लोग क्या थोड़ी देर मेहनत कर लें आप इंशाल्लाह फिर आपका मौका नहीं मिलेगा है ना। फिर मैं जब पढ़ते पढ़ते वहां पहुंच जाता
तो फिर मुझे किसी को कहना नहीं पड़ता है कि नजरा मोहब्बत के साथ साथ नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा मोहब्बत के साथ। या रसूल अल्लाह तेरे कदमों में जो है गैर का मोह क्या देखे। आशिक में चलता है कहता है मेरे मौला ऐ मेरे आका आपके दर पर छोड़कर जाए तो जाए बस आपसे आपके दर से भीख मिलती है और दीवानों का गुजर होता है। शेर पढ़ता हूँ सुने मोहब्बत के साथ साथ कि तेरे कदमों में जो है गैरे का मोह क्या समाज कर ले मोहब्बत के साथ साथ एक मरतबा अगर दिल लग रहा तो कह सकते हैं सुभान अल्लाह। बस बस शेर सुनिए आला हजरत कहते हैं तेरे टुकड़ों से पले गैर के ठोकर पे न डाल तेरे टुकड़ों से पले सुनता ही नहीं मांगने वाला।